तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल का, आर्क ड्रैगन हंटर का। और आज का आर्क ड्रैगन हंटर का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आप लोग को आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट, रस्ट वगैरह के सर्वर बनाने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग बना सकते हो। तो निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलो गाइज, आज का ये वाला जो हमारे एपिसोड आर्क ड्रैगन हंटर का, वो कर देते बिना किसी देरी के शुरू। और जो पीछे गाइस आप लोग देख रहे हो, इस बॉस का नाम है गाइस एलिमेंटल बॉस, और इसको टेम करने का काम मैंने पिछले एपिसोड में करा था। भाई इसके पास इतने सारे अलग अलग तरह के अटैक है ना, क्या बताओ गाइस मैं आपको, लगभग 15 अलग अलग तरह के अटैक्स इस अकेले एक बॉस के पास है, और इसी को हमने पिछले एपिसोड में टेम करा था। और अभी आज वैसे मेरा मन तो कर रहा था कि मैं कुछ एबिस वगैरह डायनो को जाके टेम करूं, बट मैंने बाद में सोचा छोड़ो भाई, एबिस डायनो को अभी टेम नहीं करते। आज ना एक काफी ज्यादा ओवर पावर्ड और काफी ज्यादा खतरनाक वाला बॉस टेम करते हैं। आपको पता होगा शायद से कल या परसों वाले एपिसोड में मैंने अपने ग्रिफिन से एक बॉस को मारा था, जो कि यहाँ पे सामने जो आइस बैम देख रहे हो गाइज वहाँ पे था, और उस बॉस को हम लोग ने हवा में से मारा था, जो कि थोड़ा सा उस बॉस के लिए अनफेयर था, क्योंकि वो बॉस ना हवा में कोई भी अटैक नहीं कर पा रहा था, वो जमीन वाला बॉस था, और हम लोग ने ग्रिफिन के स्पेशल अटैक से उसको हवा से पेल दिया था। तो गाइज उस बॉस को मारने के बाद उसका टेमेबल वेरियंट जो है गाइज वो मुझे मिल गया है। तो मैं सोच रहा हूँ उस बॉस से हम वापस से बॉस फाइट लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि उससे बॉस फाइट नहीं लेंगे, बॉस फाइट उससे वापस लेंगे, क्योंकि हम लोग ने जो है ना गाइस फ्लायर से उसको मारा है, थोड़ा सा उस बॉस के साथ हम लोग ने ना इंसाफी करी है, सो उससे हम लोग फाइट लेंगे फ्यूचर में। बट उसका टेमेबल वेरियंट अभी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो क्यों ना गाइस उस टेमेबल वेरियंट को आज के इस वाले एपिसोड में टेम करा जाए, और वही काम गाइस हम लोग करने वाले। ये रहा गाइस नीटो एग, उस बॉस का नाम जो है गाइस, उस बॉस का नाम है नीटो, एंड उसका जो अंडा है ना गाइस वो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। पहले तो मैं यहाँ पे इसको एक का डबल करने के लिए डाल देता हूँ, ओके, एंड अभी इसको हम लोग जाके टेम करने का काम करने वाले हैं। और ये मुझे लग रहा है गाइस कि एंड गेम वाला तो बॉस नहीं होना चाहिए ना नीटो, एबिस वाला ही कोई तो बॉस है, नीटो का ही अंडा मिला था ना हम लोग को पक्का। रुको मुझे एक बार देखने दो, अंडा नीटो का ही मिला है या किसी और बॉस का मिला है, नीटो का ही अंडा है भाई, ठीक है चलो। सो ये जो नीटो का अंडा मिला है ना, इस अंडे को अभी जाके गाइस मैं हैच करने वाला हूँ, हैच करने वाला मतलब टेम करने वाले हम लोग। फटाफट से क्रॉसबो निकालते हैं और देखते गाइस कि ये बॉस कितना खतरनाक है। इसको ग्रिफिन से ना मैंने 3-4 अटैक में उड़ा दिया था, तो इसको मैं अभी फटाफट से यहाँ पे स्पॉन करने वाला हूँ। इन 1 2 3 हियर वी गो, आ जा नीटो के बच्चे, ओए ओए निकलो, अरे हमला बिमला कर रहा है क्या ए पागल। मुझे लगा भाई वाइल्ड वेरिएंट स्पॉन हो गया, मैं डर गया भाई एक टाइम के लिए, मुझे लगा वाइल्ड वाला जो गाइस बॉस है वो स्पॉन हो गया भाई। ओ शिट भाई, गाइस वेरी वेरी डेंजरस एबिस वाला ये बॉस, ठीक है ये भी एबिस टायर का ही है। ये लो इसका लुक देखोगे ना आप भी बोलोगे क्या बॉस है ये, इसका लुक, खाली लुक के लिए मैं इसको 10 out of 100 पॉइंट दूंगा, इतना खतरनाक लुक है इसके पास। देखना गाइज ये पीछे देख रहे हो गाइज, ये देखो सुपरमैन की तरह लगी हुई है भाई पीछे, भाई इसने स्कल की माला पीछे साइड पर पहन रखी है, चौक के लिए लगा रखी है भाई, देख रहे हो डीमन, इंसानों के स्कल नहीं है ये, इंसानों के होते तो यहाँ पे ऐसे भाई सिंग नहीं होते, इन स्कल के ऊपर जो है ना गाइज सिंह है, मतलब ये डीमंस के स्कल है, उसके मालप पे ना बना के कुछ तो शोपीस बनाया है और वो पीछे लगाया भाई, भाई साहब काफी डेंजरस लग रहा है, आर्मर काफी ज्यादा तगड़ा वाला भाई पहन रखा है इसने, इसके पास जो स्वॉर्ड है उस स्वॉर्ड का ही लुक देखना भाई, स्वॉर्ड पे 3 ह्यूमन या पता नहीं किसके तो स्कल लगे हुए, लेकिन 3 स्कल लगे हुए भाई, शायद इन स्कल से इस जो है ना गाइस स्वॉर्ड को पावर मिलती हो, इस तरफ भी 3 स्कल है भाई, 6 स्कल लगे हुए हैं, और इसका लुक देखो भाई, भाई साहब इसके यहाँ पे भी
अच्छा ए है तेरे पास यही नहीं दिख गया मेरे को। कैसे गुस्से में देख रहा है भाई, रात में सपनों में आएगा कैसे? नहीं भाई लेकिन सच में तेरे पास है ही नहीं रे। ले 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 ले, कहाँ चला गया भाई? ठीक है भाई छोड़ो, इसको ट्रोल नहीं करते। और अभी गाइस सबसे तगड़ी चीज क्या है पता, इसकी आंखें और इसका जो मुंह है वो देखना गाइस, देखना डरावनी लग रही है कि नहीं बताओ। इसने अपने सर पे एक ताज भी पहन रखा है भाई, ठीक है, और इसकी आंखें देखना कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है। देख रहे हो, देख रहे हो, काफी ज्यादा खतरनाक है गाइस ये बॉस। अटैक कौन से भाई? उई चलते वक्त आवाज कैसे आ रहा है भाई? ओ भाई ये देखना, ये भी उड़ रही है भाई इसकी। भाई साहब यार एक नंबर भाई डिटेलिंग, भाई जिसने मॉड बनाया ना भाई एक नंबर काम करा भाई तूने, एक नंबर काम करा है। देखो तो यार डिटेलिंग देखो कैसे चल रहा है, ऐसे लग रहा है भाई एकदम फुल स्वैग में, रॉकी भाई की तरह फुल स्वैग में चल रहा है, हाथ में तलवार लेके आ जाओ भाई काट के रख दूंगा किसी को बेस है। देख रहे हो फुल स्वैग में भाई, गैंगस्टर लुक भाई, सच में गैंगस्टर लुक है भाई इसका, गैंगस्टर लुक है भाई, गैंगस्टर रेड स्कल इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, ये हमारा गैंगस्टर रेड स्कल है, फुल गैंगस्टर वाइब आ रही है भाई, जबरदस्त बॉस है यार ये। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके इसका अटैक कौन से है? डार्क एनर्जी क्या भाई साहब, भाई देख रहे हो डार्क एनर्जी रिलीज कर रहा है लिप क्लिक पे। वो 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 ये भी डार्क एनर्जी वाला अटैक ही है, स्वॉर्ड से फट से इसे पे अंदर घुसाएगा ये सी पे, ये भी डार्क एनर्जी वाला अटैक है इस पे। वो भाई जमीन के अंदर अपनी स्वॉर्ड गार रहा है और पूरी जमीन पे जो ना गाइस डार्क एनर्जी की एक शॉकवेव क्रिएट हो रही है। देखो ये देखो, ये देखो भाई, अरे बाबा जेड पे, ओ शिट भाई साहब क्या ब्लास्ट है ये, ब्लास्ट कर रहा है एकदम बहुत ज्यादा बड़ा वाला भाई। नाइस, एक्स पे, क्यू पे, कुछ ज्यादा ही अटैक यार, जी ओ बस इतने ही है क्या अटैक रहे? अबे इतने में इतना ही मिलता है गाइस, इतने में इतना ही मिलता है भाई। गाइस बहुत जबरदस्त है भाई ये अटैक, देखो गाइस ये एंड के दो अटैक है ना, एक तो ये वाला अटैक और एक जेड वाला अटैक, ये वाला, ये दोनों अटैक मुझे काफी बढ़िया लगे इसके, मुझे लग रहा है ये सबकी बैंड बजा देगा भाई, इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार। फुल गैंगस्टर भाई, गैंगस्टर रेड्स का, लेट्स गो ब्रो। कैन यू जंप? ओ यू कैन, ये जंप कर सकता है बट छोटू सी जंप है भाई, छोटू सी जंप है। अरे काट के रख दूंगा डैमेज, 1 मिलियन का डैमेज जा रहा है, उतना भी बुरा नहीं है डैमेज भाई। ठीक है भाई, 2 बिलियन हेल्थ क्या, 200 मिलियन, ठीक है ठीक है। रुको मैं एक काम करता हूँ, इसको इम्प्रिंटिंग पोशन खिलाएंगे, ओके, और इसकी 500 मिलियन हेल्थ करेंगे हम लोग। बचे हुए जितने सारे पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट है मैं इसके मिली डैमेज में डाल रहा हूँ। हमारा ये जो गाइस यहाँ पे रेड्स का लेना गैंगस्टर रेड्स का, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, और इसके डैमेज वगैरह जो है वो मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। क्या बोलते हो फ्यूनिक्स मेरे भाई? रुक जा, आ रहा हूँ तेरे को मारने के लिए, तेरे को मारने के लिए आ रहा हूँ फ्यूनिक्स बेटा, फ्यूनिक्स बेटा मस्ती नहीं, फ्यूनिक्स बेटा मस्ती नहीं, कम कम टू डैडी फ्यूनिक्स बेटा, कम टू डैडी, म्यूजिक बजा रहा है बालक। भाई साहब एक फटके में काट के रख दिया भाई बॉस को, एक फटके में काट डाला भाई, एक फटके में लियो लियो भाई, बाय 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 बाय। रुको इसके सारे अटैक का डैमेज मैं आपको दिखा देता हूँ कितना जा रहा है। पहले राइट क्लिक वाला जो अटैक है उसका डाल, 40 मिलियन जीएम बॉयज, 40 मिलियन, ठीक है लेफ्ट क्लिक, 40 मिलियन इसी वाले अटैक का भी डैमेज है, ठीक है ठीक है, सी वाला अटैक अभी अभी सी वाला अटैक भाई, सी अटैक इसका भी डैमेज 40 मिलियन है भाई, सारे अटैक का 40 मिलियन ही डैमेज है क्या? एक्स वाला अटैक जमीन में स्वॉर्ड गाड़ के डार्क एनर्जी ब्लास्ट करने वाले अटैक का डैमेज भी 40 मिलियन है, जेड वाला अटैक भाई इसका भी 40 मिलियन, इसका 30 मिलियन है भाई, इसका भी 40 मिलियन कर देते, सारे अटैक 40-40 मिलियन का डैमेज देते फिर भाई क्या ही बोले। इसके सारे अटैक जो ना गाइस वो यहाँ पे 40 मिलियन का तगड़ा वाला डैमेज,
बहुत ज्यादा तगड़ा वाला भाई। भाई इसका डैमेज अगर 1000 भी जाता ना तो भी कोई गम नहीं था, क्योंकि बॉस मुझे काफी पसंद आया। मैं काम करता हूँ भाई, इस बॉस को ना हम रेड ऑब्लिक पे लेके जा रहे हैं। भाई रेड ऑब्लिक पे लेके जा रहा हूँ और उस चमन से बॉस से मैं इसको बिड़ा रहा हूँ। ओए वेयर आर, ये कहाँ चला गया, डिस्पॉन हो गया क्या वो? ये गाइस यहाँ पे वो बॉस था ना, चमन सा बॉस जो हम लोग ने पिछले एपिसोड में स्पॉन करा था। अबे यार वो तो भाग गया गाइस, भाग नहीं, वो रहा था सामने है भाई, सामने है भाई। रुक जा बेटा, नॉक नॉक, तेरा पापा आया। रुक जा रुक जा, अरे चलना, हवा आने दे, हवा बेटा। पर फ्रीज वाला अटैक दे दिया भाई, स्लो कर दिया मेरे को, स्लो कर दिया भाई इस वाइब्रेन के बच्चे ने। रुक जा भाई, बॉस भागना नहीं, भागना नहीं बॉस, भागना नहीं, बिल्कुल भागना नहीं बॉस के बच्चे। ले बेटा लियो, कल 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 कल। अबे इसने केज में डाल दिया मुझे, इसने मुझे केज में डाल दिया है। चारों तरफ देखो लंबी लंबी दीवारें गाइस आ चुकी है भाई। लेकिन मेरा कंटिन्यूस डैमेज देने वाला अटैक शायद इसकी बैंड बजा सकता है, शायद से नहीं, पक्का सूडक का बैंड बजाएगा, पक्का सूडक का बैंड बजाएगा। कम ऑन कम ऑन बॉयज, अपन से जो टकराएगा भाई चूर चूर हो जाएगा बेटा, भाई अपन से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ठीक है भाई, चूर चूर भाई पेटी बन जाएगी उसकी, सीधा पेटी बन जाएगी। बेटा इधर आ, बेटा इधर आ, कहाँ भाग कर रहा है भाई? वॉल लगा के रख दी ना, वो वॉल तेरे लिए काल बनेगी बेटा, रुक, वॉल तेरे लिए काल बनेगी, ये वॉल तेरे लिए काल बनेगी भाई। जेड 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 वाला अटैक भी देंगे। ले ले लियो बेटा, 40-40 मिनट, कल कल बेटा, कल 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 कल, इजी इजी पीजी भाई। इस बॉक्स को मेरा कौन कौन रे भाई, वो मारा गया था बंदर और रेक्स, दोनों मार नहीं पाए थे इस बॉस को, ना ही बंदर ना रेक्स, उसको इसने इजीली पेल डाला इजीली। और ये देखो भाई, ये सुरक्षा घेरा बना रखा है इसने, इसके बाहर हम जा नहीं सकते, लेकिन ये शायद से दूम, हाँ नहीं गया भाई, सुरक्षा घेरा के बाहर जा सकता हूँ मैं, लेट मी चेक भाई, कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है भाई, नहीं तो भाई फुल गैंगस्टर है भाई ये। नहीं यार केजे, ये केजे मेरा, वैसे मैं टीपी मार के ऐसे निकल सकता हूँ, ओके गाइस मैं टीपी मार के कल्टी मार सकता हूँ यहाँ से। इसके इस वाले स्वॉर्ड वाले अटैक का ना 40-40 मिलियन का कंटिन्यूस डैमेज जा रहा था, कंटिन्यू। ये लो केज अट गया अपना भाई, ये अटैक तो मेरा वाला भाई, जो डायनो टेम करा था मैंने लिमिट पिछले एपिसोड में, वो भी कर सकता है, बट उसके लिए कौन से बटन दबाने ये मुझे पता नहीं है, वरना इस बॉस को मैं टेम कर चुका हूँ, जिस बॉस से अभी मैंने फाइट ली, और उस बॉस के पास काफ़ी ओपी वाले अटैक्स हैं मुझे। लेकिन भाई कुछ भी बोलो, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया यार, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसका लुक, इसका डैमेज, इसका अटैक, इसने इससे भाई बॉस को मारा है, जिस बॉस को मारते हुए मेरे दो डायनो भगवान के पास पहुँच गए थे, उस बॉस को इसने ऐसे चुटकी बजा के पेल दिया भाई, मजाक हो रहा है क्या, मजा आ गया गाइस। गाइस 1 से लेकर 10 तक अगर आपको इसके लिए पॉइंट देने हो, 1 मतलब घटिया आप तू भाई, 1 मतलब एकदम बकवास भाई, बकवास ये, और 10 मतलब एकदम ओपी सुपर से भी ऊपर वाला, तो 1 से लेकर 10 तक आप कितने पॉइंट देते हो? मैं तो इसको 100 पॉइंट दूंगा भाई, इसका लुक जबरदस्त है, इसके अटैक जबरदस्त है, और अभी इसने जिस बॉस को मारा है वो देख के भी मैं थोड़ा सा शॉक हो गया, मुझे लगा नहीं था कि इस बॉस को मैं मार पाऊंगा, लेकिन मैंने मार दिया। तो गाइस इसलिए मैं इसको भाई 1 से 10 के बीच में पॉइंट नहीं दूंगा, मैं ज़्यादा ही पॉइंट दूंगा, डायरेक्टली 100 पॉइंट दे दूंगा, इतना ज़्यादा ओपी मुझे गाइस ये वाला बॉस लगा। आप बताइए आपको ये वाला बॉस कैसे लगा, और हमारे दो और चैनल है आर गेमिंग और गेमिंग विदानी, जहाँ पे अलग अलग वीडियो जो है ना आती रहती है, अभी थोड़ी सी पॉज रखी है उस चैनल पे वीडियो, बट अगले मंथ के डेट 1 से डेली वहाँ पे तगड़ी वाली वीडियोज आने वाली है, तो ज़रूर से उस चैनल को भी चेकआउट कर लेना, दोनों चैनल को, दोनों चैनल का लिंक आप लोग को मिल जाएगा नीचे नीचे नहीं सॉरी आपको मिल जाएगा कम्युनिटी टैब में, वहाँ से आप लोग दोनों चैनल को चेकआउट कर सकते हो, या यूट्यूब पे नाम सर्च कर सकते हो आर गेमिंग और गेमिंग विद एनी, वहाँ पे आपको दोनों चैनल मिल जाएंगे। और आपको हमारा ये ओपी सा जो बॉस है वो भी कैसे लगा
जरूर बताना नीचे कमेंट करके। देखो ये जंप भी मार सकता है, लेकिन छोटू सी जंप मारता है यार, बड़ी वाली जंप नहीं मारता, थोड़ी छोटू सी जंप मारता है ये हमारा बॉस। तो गाइस आज का ये जो ओपी वाला एपिसोड है वो हम लोग यही पे कर देते खत्म। फिर रुको खत्म करने से पहले ना एक और आखिरी बॉस फाइट, ठीक है गाइस, एक और आखिरी बॉस फाइट बनती है गाइस, बनती है एक आखिरी बॉस फाइट तो बनती है ना मेरी है। मैं कोई ना, मैं तेरे को भाई क्रायो कर लूंगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं बैठा है ना क्रायो करने के लिए। भाई यार कैसा कैसा ग्लिच होते रहता है यार, कैसे कैसे ग्लिच होते रहता है, जमीन के अंदर घुसा पड़ा हूँ मैं। हाँ चलो भाई, एबिस सेवन बीस, सेवन बीस नहीं भाई, हाँ ये वाला सेवन बीस टायर फाइव तक इसका हम लोग जो है ना गाइस बैंड बजाएंगे अभी। ये टायर फाइव तक जो है ना गाइस ऐसे मिनट में पहुंच जाएगा, देखना मिनट्स में टायर फाइव तक पहुंच जाएगा। इतना गंदी तरीके से इसको मारूंगा इतना पता नहीं कितना, देखना रुको, इसको मैं ब्लू ऑब्लिक पे लेके जा रहा हूँ और फटाफट से हम लोग इसको स्पॉन कर रहे हैं, ठीक है मारूंगा इतना ना गाइस, देखना बस देखना। हाँ भाई कैसे आया, हवा में ना मर जाए बेटा, जमीन पे आ जा, जमीन पे आ जा। हाँ पाँच बिलियन हेल्थ है भाई, 5 बिलियन, 40 40। हाँ टायर टू आ गया गाइस, टायर टू आ चुका है। एक मिनट का समय उससे ज़्यादा नहीं, एक मिनट का समय गाइस ओनली, एक मिनट से थोड़ा ज़्यादा लगेगा एक मिनट से थोड़ा ज़्यादा। टायर थ्री आ चुका है गाइस, टायर थ्री जियर चलना रे, आवान दे बेटा आवान दे। टायर फोर आ चुका है गाइस बॉस आते ही इसने तबाही मचा दी। चल ले बेटा, चलाना कल, ये ले कंटिन्यूस डैमेज देने वाला अटैक ले मेरा, ये भी ले, टायर फायेगा। टायर फोर की जो है गाइस बैंड बज चुकी है, अभी इसका टाटा बाय बाय गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। टायर फाई आ चुका है, टायर फाई की पेटी खत्म, द एंड। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, खत्म। चलो गया गाइस आखिरी एक अटैक और टायर फाई, द एंड, खल्लास, टाटा बाय बाय गुड बाय। मैं मजाक हो रहा है क्या, डैमेज देखो भाई, 16 मिलियन 16 मिलियन, 20 मिलियन, 18 मिलियन, ईजी पीजी भाई। ऐसे गाइस यहाँ पे उसकी बैंड बजा दी मैंने। तो गाइस अभी बताइए आपको ये बॉस कैसे लगा, बाकी आज का ये वाला एपिसोड इसी खतरनाक से बॉस को टेम करने के साथ हो जाता है ये पे खत्म। मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were